10 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा सैर किए जाने वाले 10 मुकामात। नंबर 10, द कोलोसियम, रोम, इटली। दोस्तों, इटली का शहर रोम दुनिया के सबसे मशहूर मुकामात में से एक है, क्योंकि यहाँ पर द कोलोसियम मौजूद है, जो कि आज से 2000 साल पुराना एक थिएटर है, जहाँ पर रोम की बुलंदी के दौर में न सिर्फ हर तरह की तकरीबात होती थी, बल्कि यहाँ पर ग्लैडिएटर्स यानी के जंगजू लड़ाई भी करके दिखाते थे, और इस लड़ाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ जिंदगी या मौत की शक्ल में आता था, यानी कि एक आदमी के मरने पर। इसके अलावा भी यहाँ पर हर तरह के पब्लिक स्पेक्टिकल्स होते थे, जिनमें तकरीर, जानवरों का शिकार और ड्रामे शामिल थे। आज से 20 सदियों पहले अमीर तरीन अफराद खुद को महसूस करने के लिए द कोलोसियम का रुख करते थे। आज ये दुनिया के सबसे हिस्टोरिक मुकामात यानी कि सबसे तारीखी मुकामात में से एक है, और हर साल लाखों अफराद इसको देखने के लिए आते हैं। आज से हजारों साल पहले बनने वाले इस एम्फीथिएटर यानी कि इस थिएटर की कुल कैपेसिटी 1,00,000 सीट्स थी, और इसमें लोगों को सरेआम फांसी देने तक, नकली जंगे दिखाने तक, मजहब और जंग के मुतालिक लोगों को ड्रामे भी दिखाए जाते थे। ये आज की दुनिया के नए 7 अजूबों में भी शामिल है। नंबर 9, टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर चौक न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन तफरीही मुकामात में से एक है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बिजीएस्ट प्लेस भी समझी जाती है, जहां हर वक्त कोई ना कोई काम करता दिखाई देता है। कहा जाता है कि हर साल 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ अफराद इस जगह की सैर के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विजिटेड जगहों में से एक है। ये जगह अपनी चमकती रोशनियों, अपने ब्रॉडवे शोज और अपने बड़े बड़े मेगा स्टोर्स की वजह से जानी जाती है, और यहाँ पर दुनिया के सबसे मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज का आना भी एक आम सी बात है। न्यूयॉर्क अमेरिका के बिजनेस का गढ़ है, और टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का दिल है, जिसकी वजह से हर वक्त ये सुपर बिजी नजर आता है, और दुनिया को यहाँ अक्सर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। पैदल चलने वालों के लिए आज यहाँ पर जगह जगह कॉफी टेबल्स भी बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया यहाँ पर बैठ कर खुद को एंजॉय करती है। टाइम स्क्वायर की शोहरत की एक और वजह यह भी है कि आपको यहाँ पर महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते होटल मिल जाते हैं, और इसके साथ आपको आपकी मर्जी की ट्रांसपोर्ट भी मिलती है, जिसमें मेट्रोज, सबवेज, बसेस और सबसे मशहूर यहाँ की येलो टैक्सियाँ शामिल हैं। नंबर 8, नियाग्रा फॉल, अमेरिका, कनाडा। दोस्तों, नियाग्रा फॉल अमेरिका और कनाडा में मौजूद वाटरफॉल्स यानी कि आबशारों की एक सीरीज का नाम है, और दुनिया की सबसे बड़ी आबशारों में से एक है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले, अगर आप टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा के और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स, जिसमें हर मिनट 6 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर गिरता रहता है, ये आबशारे पूरी दुनिया में कुदरत के सबसे हसीन नजारों में से एक हैं, जिनको देखने के लिए हर साल ही 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये आबशारे बोटिंग क्रूज की वजह से भी मशहूर हैं, जिनमें लोग कश्तियों में बैठकर खूब लुत्फंदोज होते हैं। सर्दियों के दौरान नियाग्रा फॉल बिल्कुल जम के बर्फ बन जाती है, मगर गर्मियों में ये दोबारा पिघल कर एक आबशार के तौर पर गिरना शुरू कर देती है, और अमरीका और कैनेडा से मनचले इस तरफ रुख करते हैं। नंबर 7, द ब्लू लगून, आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया के बिलाशुबा सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है, और यहाँ पर मौजूद द ब्लू लगून इस खूबसूरत मुल्क की सबसे जन्नत नजीर जगह है, जहाँ पिछले चंद सालों में रोज बरोज रश बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान 1,00,000 अफराद ने इस जगह का रुख किया। द ब्लू लगून तक लोगों के आने की एक से ज्यादा वजूहत मौजूद है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आकर इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। इसके अलावा ये एक कुदरती तौर पर बना जियो थर्मल स्पा भी है, जहाँ पर ऊपर का पानी ठंडा है, जबकि इसके नीचे लावा मौजूद है, जो कि पानी को गर्म भी कर देता है। यहाँ का पानी मिनरल से भरपूर है, जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये किसी भी किस्म की बीमारी को भी खत्म करने की ताकत रखता है। ये एक फैमिली वाटर पार्क है, जहाँ पर लोग पूरी दुनिया से अपने घर वालों को लेकर आते हैं। यहाँ का पानी अपने मखसूस नीले रंगों और धुएं के बादलों की वजह से जाना जाता है। पानी का दर्जा हरारत 35 से 40 सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद है, और सच कहें तो ब्लू लगून खुदा के मौजूदात में से एक नजर आता है। नंबर 6, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। दोस्तों, बर्तानिया में मौजूद स्टोनहेंज इंसानी तारीख के सबसे अहम तरीन और कदीम तरीन दरियाफ्तों में से एक है, और हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आता है। इसके साथ साथ ये जगह बर्तानिया की कदीम तरीन टूरिंग साइट भी है, जहाँ पर हर साल 2,000,000 से ज्यादा अफराद सियाहत के लिए आते हैं। ये जगह दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक है, और ये 5,000 से 8,000 साल तक पुरानी है। ये कदीम तरीन पत्थर 13 फुट ऊंचे जबकि 7 फुट चौड़े हैं, और इनका वजन 25
टन है। स्टोनहेंज की मकबूलियत की एक और बड़ी वजह यह भी है कि ये पत्थर जिस दौर के हैं, इस दौर में इंसानों के पास पत्थरों को तराशने, काटने और इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाने की कोई खास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और इसी वजह से ये एक मिस्ट्री भी समझी जाती है। इसके अलावा ये मुकाम सूरज के उतरने और चढ़ने के हिसाब से बनाया गया है। स्टोनहेंज बरतानिया का एक बेहतरीन सकाफती विरासत है और ये द क्राउन यानी के शाही खानदान की मलकियत भी समझा जाता है। ये जगह कदीम दौर के बादशाहों का एक बरियल ग्राउंड भी था, यानी कि ये शाही कब्रिस्तान का काम भी सरंजाम देता रहा है और जदीद दौर में यहाँ पर से बहुत सी कब्रों के आसार भी मिले हैं। नंबर 5, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील। दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अजीमुशान मुजस्मा है जो कि दुनिया के सबसे बड़े मुजस्मों में से एक है और जो लोग इसको जानते भी नहीं वो जिंदगी में कभी ना कभी इसको टीवी पर जरूर देख चुके हैं। इस मुजस्मे को देखने हर साल ही पूरी दुनिया से 20 लाख अफराद यहां का रुख करते हैं। हाल ही में एक दिन में इस मुजस्मे की जगह पर 15,000 अफराद ने टूर किया क्योंकि इस दिन इनका मजहबी दिन यानी कि ईस्टर संडे था। ये मुजस्मा कुल 125 फीट ऊंचा है और ये साल 1931 में बनाया गया था। इसके बनाने वालों के नाम पॉल लैंडविस्की और हेटो डी सिल्विया कोस्ता हैं। मुजस्मा बनाने वाले बताते हैं कि पहले इनका प्लान था कि एक ऐसा मुजस्मा बनाएं जिसके एक हाथ में पूरी दुनिया हो और जबकि दूसरे हाथ में एक तलवार हो, मगर बाद में इन्होंने ये बदल दिया और आज ये मुजस्मा एक क्राइस्ट को शो करता है जो कि सभी को माफी दे रहे हैं और हाथ खोलकर वेलकम कर रहे हैं। ये मुजस्मा ब्राजील के तिजोका नेशनल पार्क में मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी शुमार होता है। नंबर 4, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस ग्रीस। दोस्तों, यूनान के शहर एथेंस में मौजूद ये कदीम और तारीखी मुकाम किसी भी तारीख के तालिब इल्म के लिए एक हीरे की कान की तरह है। यूनान के पहाड़ों के ऊपर ये तारीखी बिल्डिंग कदीम दौर में इस शहर के अहम तरीन मुकामात में से एक थी और आज यहाँ 50 लाख अफराद हर साल सियाहत के शौक से आते हैं। ये किला यूनान में पहाड़ों के ऊपर बना है और इसमें कदीम दौर की बहुत सी इमारत मौजूद है। मशहूर बादशाह पेरिक्लीस ने इसको बनाने का काम शुरू किया था और आज से 6000 साल पहले भी यहाँ पर यूनान के लोग ही आबाद थे। ये जगह न सिर्फ एक आम बिल्डिंग का काम सर अंजाम देती थी बल्कि जंग के दिनों में ये इतनी ऊंचाई पर मौजूद थी कि पूरे शहर के लोग यहाँ पर आकर बसेरा करते थे और खुद को बचाते थे। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और इस दौर में इन ओलंपिक गेम्स को ओलंपिक्स नहीं बल्कि ग्रेट पैनाथेनिया कहा जाता था। नंबर 3, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा इजिप्ट। दोस्तों, मिस्र में मौजूद ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा यानी के अहराम मिस्र दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक हैं जो कि उस दौर के फिरौनों के फखर और गुरूर को और तकबर को जाहिर करते हैं। इन पिरामिड्स में इस दौर में ना सिर्फ शाही दरबार लगता था बल्कि बादशाहों की कब्रें भी यहीं से बरामद हुई हैं। ये मुकाम भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इनमें सबसे पुराना माना जाता है। ये पिरामिड्स आज से तकरीबन 5000 साल पहले 30 साल के अरसे में बनाए गए थे और हर साल तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सियाहत के गर्ज से यहाँ पर आते हैं। इतने हजार साल गुजरने के बावजूद भी ये पिरामिड्स आज भी काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज इन पिरामिड्स की लंबाई 455 फीट है और इनको उस दौर के मशहूर फिरौन फैरो खोफो ने अपने लिए बनाया था। ये पिरामिड्स 23 लाख पत्थरों को मिलाकर बनाए गए हैं जिनका कुल वजन 60 लाख टन है। इस दौर के मिस्री बाशिंदों ने कोई जदीद किस्म की जुबान तो ईजाद नहीं की थी मगर ये पिरामिड्स की दीवारों पर इन्होंने तस्वीरों से अपने नक्शो निगार बनाकर अपने होने के आसार छोड़े हैं जिनको देखने आज दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं। नंबर 2, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि दीवारें चीन। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि अगर आप खला यानी कि स्पेस में जाकर हमारी प्यारी जमीन को देखेंगे तो सिर्फ इंसान के हाथ की बनाई हुई एक ही चीज आपको नजर आती है और वो है दीवारें चीन यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर आप इसकी लंबाई के हिसाब से इसको नापना चाहें तो बिलाशुबा ये लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर यानी कि इंसान के हाथ का बनाया गया सबसे लंबा कोई स्ट्रक्चर है क्योंकि ये दीवार कुल 21,196 किलोमीटर लंबी है। आज इसको देखने पूरी दुनिया से 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा अफराद हर साल चीन का रुख करते हैं। इस दीवार की लंबाई और अजमत इंसान की अकल को दंग कर देती है। इस दीवार का बनना यूं हुआ था कि आज से 2700 साल पहले चीन के लोगों पर यूरोप की तरफ से हमले होते थे और इसीलिए इन्होंने अलहदा अलहदा बहुत सी दीवारें अपने डिफेंस के लिए बनाना शुरू कर दी और आज से तकरीबन 2200 साल पहले इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन दीवारों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया जिसके नतीजे में जदीद
दौर की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वजूद में आई। आज इस दीवार को पिछले 2000 सालों के दरमियान बार बार बनाया गया है और मुरम्मत किया जा चुका है और आज ये पूरी दुनिया में चीन की सकाफत और इनकी तारीख की सबसे बड़ी मिसाल समझी जाती है। नंबर 1, आइफल टावर फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस का मशहूर आइफल टावर पूरी दुनिया में प्यार, इश्क और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल समझा जाता है और जब कोई भी नौजवान जोड़ा सच्चे प्यार में अंधा होकर शादी करता है तो वो सबसे पहले आइफल टावर तक का एक टूर जरूर मारने का सोचता है। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी जेब में पैसे हैं या नहीं। ये टावर फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे रोमांटिक सिटी यानी कि रोमानवी शहर माना जाता है। आज ये पूरी दुनिया के लिए लव और ट्रैवलिंग का एक निशान है और हर साल दुनिया के बहुत से लोग अपने हनीमून पर पेरिस का ही रुख करते हैं और इसलिए हर साल 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से भी ज्यादा अफराद सियाहत की नियत से इस खूबसूरत शहर में घुसते हैं। ये टावर पूरे का पूरा लोहे का बनाया हुआ है जो कि 1083 फुट ऊंचा है। ये टावर 1889 में फ्रांस में बनाया गया था और साल 1930 तक ये इंसान के हाथ से बनाई हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी था। आइफल टावर को फ्रांस के लोग द आयरन लेडी कहकर पुकारते हैं। इस टावर के 3 लेवल्स हैं जहां पर लोग चढ़ कर नीचे का नजारा ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग बैठ के रोमांटिक ड्रिंक्स भी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप जिंदगी में इसका टूर करना जरूर चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।